सो गाइज, आज है 20th नवंबर और आज है वोटिंग का दिन. सो अभी बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून हो गया है गाइज, और मैं अभी जा रही हूँ वोट देने के लिए. उसके पहले मैं जाऊँगी हेयर वॉश करने के लिए, और उसके बाद हमें बहुत सारे काम हैं. और टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल होने वाला है. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. और सभी को आज वोट देने जाना चाहिए, ये हमारा अधिकार भी है और हमारा फर्ज भी है. A few moments later. सो गाइज, मैं सेंटर पे पहुंच गई हूँ. सो गाइज, ये रहा मेरा वोटिंग आईडी, और अभी मैं जा रही हूँ रूम नंबर 2 में. मेरा वहाँ पे वोटिंग का नंबर है. सो गाइज, मैंने वोट कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ. सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ पार्लर, और मुझे यहाँ पे अभी हेयर वॉश करना है, और उसके तुरंत बाद मैं पायोजा को बाहर लेके जाऊंगी. उसे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है, कल उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, और शाम के फंक्शन के लिए मुझे भी गिफ्ट खरीदना है. सो इसके तुरंत बाद हम लोग दोनों साथ में बाहर जाएंगे. A few moments later. So guys, पायोजा आ गई है और अभी हम जा रहे हैं उसके फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए. DIY of जेल पटका. अच्छा, DIY जाना है आपको? Yes. So, क्या सिलेक्ट किया पायोजा आपने? एक बॉटल हुई है और हम भी और देख रहे हैं. चलिए ले लो. Hours later. So guys, हमारी शॉपिंग हो चुकी है अभी, और अभी हम जेली पटका में कुछ खाने के लिए आए हैं. मतलब यहाँ पर ऑलरेडी रहता है खाने के लिए, तो हम स्ट्रीट फूड खाएंगे. मम्मा ने कोल्ड कॉफी पी ली है. कैसी थी आपकी कोल्ड कॉफी? A few moments later. So guys, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी दोस्त को मिलने के लिए. स्कूल छोड़े मुझे 27-28 साल हो चुके हैं, और जब हमने स्कूल के बाद में जब कॉलेज ज्वाइन किए तो सब दोस्त अलग अलग कॉलेज में चले गए. उसके बाद में थोड़े बहुत टच में थे शादी होने तक, और उसके बाद शादी होने के बाद में मैं सिर्फ उसको 9 साल पहले मिली थी. 9 या 10 साल हो गए शायद मैं उसे मिली थी. नागपुर में ही रहती है, लेकिन कभी ऐसा मिलना नहीं हुआ. और आज ऐसा ओकेजन है कि उसकी बच्ची का बर्थडे है. फर्स्ट 1 साल की हो चुकी है उसकी बच्ची, तो उसने मुझे इन्वाइट किया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए. स्कूल फ्रेंड्स की बहुत स्पेशल जगह होती है. सबकी जिंदगी में स्कूल फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सभी जगह के फ्रेंड्स, मतलब मुझे टचवुड, मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले बचपन से ही. मैं कॉलोनी में जो फ्रेंड्स थे, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, ट्यूशन के बाद में किटी. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. मेरा पूरा लुक है आज का. A few moments later. मम्मी आ रही है मेरे साथ में मुझे कंपनी देने के लिए. मम्मी हेलो बोलो मेरे व्लॉग में. चल तू, चल तू, चल तो. आणि मम्मी, मम्मीला पण, मम्मीला मन, चला मना, चला, चला मना. नो.
हमको नहीं बुलाया इसने। हाय हाय, ये पूर्णिमा कुरुवशी बाकी सबको हाय बोल रही है। मैंने सिर्फ जागृत होकर इनवाइट की, बाकी किसी को नहीं बुलाया। टच में कोई नहीं रहते हो, हमेशा मेरे टच में रहती है। कैसा लगा मेरा मजाक? Next day. So guys, मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ और आज मुझे फिर जाना है एक बर्थडे पार्टी में। हमारे नेबर के यहाँ बर्थडे पार्टी है और हम बिल्डिंग के सब लोग मिलके जाने वाले हैं अभी। सो जाने के पहले मैंने सोचा कि कल का मैं व्लॉग जो चल रहा है कल से, उसे मैं अभी आज एंड कर दूँ, क्योंकि होपफुली नया व्लॉग मैं आज से ही शुरू कर दूंगी। सो कल जब मैं रात को आई तो बहुत लेट हो चुका था और मैं थक गई थी, और कल मेरे फ्रेंड के साथ में मुझे मिलके बहुत मजा आया। हमने बहुत सारी बातें किए, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी। और गाइज, यहीं पे मैं इस व्लॉग का एंड भी ले रही हूँ। और प्लीज़ 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 जाने के पहले ये व्लॉग को ज़रूर लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए। सो गाइज, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ जागृति गडकरी की दुनिया। मिलती हूँ मैं जल्द ही नए व्लॉग के साथ में, तब तक स्टे ट्यून विथ मी। बाय गाइज, बाय। लाइक कीजिए गाइज, लाइक कीजिए।